तो आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं डेटा स्क्रिप्टिंग और डेटा पावर क्वेरी के बारे में बात करेंगे। तो अभी भी मैंने गूगल पे एक सर्च किया है लिस्ट। इस लिस्ट में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज है, मुझे इसका डेटा चाहिए। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके भी ले जा सकता हूँ। मैं कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैं डेटा स्क्रिप्टिंग यूज कर रहा हूँ। मैं डेटा में गया, फ्रॉम वेब पे क्लिक किया। थोड़ा सा टाइम लेगा, इंतजार कीजिए। या .NET फ्रेमवर्क लोडिंग हो रहा है। तो पहले जो वेब स्क्रिप्टिंग थी उसमें दिक्कत क्या था कि वो पूरी पेज को लोड कर देता था, लेकिन अब जो 2019 की जो वेब स्क्रिप्टिंग आई है उसमें फायदा है कि आपको इसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं वो टेबल शो करते हैं। यहाँ पे अलग अलग टेबल्स आप देखेंगे, डेटा इसका देखिए, आपका डेटा दिख रहा है यहाँ पे। हेलो सर, बोलिए। मुझे रिकॉर्डिंग का परमिशन देना, मेरा पीसी सारा बंद हो गया था। ठीक है, बिल्कुल सही। रिकॉर्डिंग परमिशन भेजा जी को। तो जैसे मुझे ये डेटा है या टेबल 5 भी है यहाँ पे मेरे पास, तो मुझे डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यू ग्लोबल मोबाइल रिपोर्ट भी है हमारे पास। तो हाँ, तो मुझे ये डेटा चाहिए कि जितने भी 50 कंट्री का दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ 2018 का, तो ये कितना का है, 50 कंट्री का। इसमें फ्लैग वगैरह है, तो मैं अपना जो है यहाँ पे न्यू ग्लोबल जो है मार्केट रिपोर्ट इसी का लेता हूँ। मुझे ये डेटा लोड करना है, तो मैंने इसको लोड पे क्लिक किया। अब इंटरनेट का पूरा डेटा, उसका टेबल जो है मुझे यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे है ये जो है ये सर लिस्ट दिख रहा होगा आपको, लिस्ट ये डेटा हमारा इंटरनेट का। इस तरह से इंटरनेट से डेटा लाते हैं, लेकिन बात ये है कि हम यहाँ पे इसको नहीं चाहिए। मैं रैंक इस कंट्री रीजन और इसको पॉपुलेशन को उठाता हूँ और एक नए सीट में वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैं कनेक्शन हट जाएगा इसमें, इसमें चले जाता हूँ डेटा में, देखता हूँ कोई कनेक्शन तो है नहीं, मुझे कनेक्शन हटाना है। यहाँ से राइट क्लिक करके इसमें क्लिक एक फाइल होगी जो मुझे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का डेटा है, और ये डेटा हमारा एक्सेल में है, और इसको हमने फॉर्म वेब से उठा के ले आया हूँ मैं। लेकिन मैं इसको दो अलग अलग करना चाहता हूँ, तो इसको मैं मान लीजिए कि इसी में इसको बीच लाइन में 2018 के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं लिस्ट के नाम से, लिस्ट इस फाइल को बंद कर देते हैं। अब मुझे क्या है कि एक नया फाइल पे मुझे करना है क्या, प्रॉब्लम को समझिए। प्रॉब्लम क्या, जरा प्रॉब्लम है कि एक नया फाइल पे मुझे यहाँ पे लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन चाहिए और साथ में मोबाइल फोन यूजर चाहिए। तो लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन तो है एक फाइल, लिस्ट फाइल में, लेकिन मुझे इस फाइल में एडिट नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी नई फाइल में करना चाहता हूँ।
तो एक डेटा जो कि मेरा एक्सेल पे लिंक है और दूसरा डेटा लिस्ट ऑफ मोबाइल फोन का रिकॉर्ड मुझे यहाँ मिलेगा, स्मार्टफोन यूजर, दिख रहा है सर? तो मुझे इस स्मार्टफोन यूजर का डेटा मुझे यहां से उठाना है, क्लियर है? तो कैसे करें? चलिए, तो इस फाइल को मैं क्लोज करके नया फाइल लेता हूं, एक नया फाइल लेता हूं और हम इस फाइल को क्लोज करते हैं। और यहां पे हम वापस जाते हैं फ्रॉम फाइल वर्कबुक और सबसे पहले लिस्ट को इंपोर्ट करते हैं। इसमें टेबल हमारा है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म में क्लिक होते ही पावर एडिटर पे आ गया। ये आपका पावर क्वेरी एडिटर है, ठीक है? तो यहां पे मैं ओनली क्रिएट कनेक्शन कर दिया, ठीक है? मैं इस पे डेटा नहीं लेके आया, मैं सिर्फ ओनली क्रिएट कनेक्शन कर दिया। अगर मैं लो मतलब कि डायरेक्ट लोड पे क्लिक कर देता तो प्रीवियस की तरह क्या होता कि डेटा आ जाता सीट में आया, लेकिन मुझे डेटा वो नहीं चाहिए, तो हमने ओके कर दिया ओनली फॉर क्रिएट कनेक्शन। यहाँ पे हमारा क्यूरी कनेक्शन क्रिएट हो गया। और फिर अब मैं वापस फॉर्म वेब पे जाता हूं, और फिर यहां पे मैं पाथ को जो हमारा यूआरएल है इस यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट करता हूं एंड ओके करता हूं। और यहां हमारा ये डेटा था, डेटाबेस था, सी में हमारा पॉपुलेशन का स्मार्टफोन यूजर दिया हुआ। और यहां पे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा तो पूरा डेटा उठ के किस पे आ जाएगा, पावर क्यूरी। और पावर क्यूरी पे मैं क्लोज एंड लोड टू हमने इस पे क्लिक किया और यहां पे मैं ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक कर, तो दो कनेक्शंस क्रिएट हो गए। अब मुझे इन दोनों को आपस में मर्ज करना, तो हम क्या करेंगे यहीं पे आपको गेट डेटा नहीं, यहां पे आपको कंबाइंड क्वेरी और यहां पे आपको मर्ज दिख रहा होगा। मैंने इसको मर्ज पे क्लिक किया, अब यहां पे आपके टेबल्स को सिलेक्ट करना होगा कनेक्ट सीट्स को। तो हमने यहाँ पे बोला कि मेरा सीट मेन है और उस सीट के अंदर हमारे पास ये न्यू ग्लोबल मार्केट रिसर्च का डेटा है। तो अब इन दोनों में आपको बोलना होगा कि कौन यूनिक है, हमने इसको सिलेक्ट किया और इसके साथ इसको रिलेट कर। यहाँ पे 50 और 50 डेटा मैच हो गया, ओके। तो फिर से हमारा पावर क्वेरी ओपन है और हमारा सीट वन यहाँ आ गया और यहाँ पे न्यू ग्लोबल डेटा। अब आपको न्यू ग्लोबल डेटा का कौन सा कॉलम लेना है वो आपको इस पे क्लिक करके दिख जाएगा। तो मुझे इसमें का यहाँ पे चाहिए स्मार्टफोन
यूजर हमने क्लिक करके ओके कर दिया। यहाँ तक आपके स्मार्टफोन यूजर है, अगर दो या दो से ज्यादा चाहिए स्मार्टफोन, मुझे परसेंटेज भी चाहिए, वो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोड एंड क्लोज करेंगे। ठीक है, यहां से लोड एंड क्लोज कर दिया। तो दो डेटा, एक डेटा हमारी एक्सेल फाइल की है और उसी एक्सेल फाइल में के डेटा उसको इंटरनेट की एक पेज टेबल से लुकअप करके लाया गया। दिस इज द पावर ऑफ पावर क्वेरी। नॉर्मल एक्सेल में हमें क्या करना होगा कि हम उसको क्या बोलते हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे, लुकअप लगाएंगे। तो इससे बेनिफिट, अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अगर आपका कोई डेटा वेबसाइट पर अपडेट होता है और आपका एक्सेल शीट में डेटा है तो फिर दोनों का लिस्ट यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है दीपक जी, समझ में आया? जी सर। दीपक जी, विजय जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, समझ में आ गया। तो पावर क्वेरी का इस्तेमाल होता है। अब पावर क्वेरी में और क्या क्या कर सकते हैं, चलिए। अब मान लीजिए कि एक फोल्डर में मेरे फाइल्स है, मुझे उस फाइल की लिस्ट चाहिए, राइट सर? तो यहां डेटा में गेट डेटा फ्रॉम फाइल नहीं, फ्रॉम फाइल में आपको यहां दिखेगा फ्रॉम फोल्डर। हम फ्रॉम फोल्डर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप अपना फोल्डर ब्राउज कर लीजिए कि आपका कौन सा फोल्डर है जिसको जिसकी लिस्ट चाहिए। तो मैं 2019 को सिलेक्ट करता हूं एंड ओके एंड आ गया फाइल के लिस्ट, एक्सटेंशन, डेट ऑफ एक्सेस, डेट ऑफ मॉडिफाई, डेट ऑफ क्रिएटेड, एट्रीब्यूट एंड फोल्डर पाथ। अब इसको ये कर दीजिए, लोड कर दीजिए। थोड़ा स्लो वर्क करता है, ध्यान रखिए। तो सबके साथ आप लोगों के पास 2016 है ना, ये फीचर आपको 2016 पे ही आएगा, ध्यान रखिए। इसके बाद 2016 से दीपक जी, विजय जी, विशाल जी, 2016 है ना आपके पास? जी सर। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है, थोड़ा सा स्लो का काम कर रहा है, वो पूरा लोड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम लेता है सर, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं।
तो अभी आप लोग क्या है इसका इस्तेमाल कीजिए, और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि अपेंड क्यूरी, वही आपको मैंने मर्ज क्यूरी बताया, पहला तो वेब से डेटा लेना सिखाया, एक्सेल से डेटा लेना सिखाया, और मुझे डेटा ने सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करने हैं वो हमने आपको सिखाया, फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम दोनों क्यूरी को मर्ज करते हैं, ये मर्ज क्यूरी था। अगली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अपेंड क्यूरी, अपेंड क्यूरी कैसे वर्क करता है, और कुछ सीक्वल क्यूरी, सीक्वल के जो लैंग्वेजेज है उसका इस्तेमाल करना हम सिखाएंगे। अभी आपके पास कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है तो कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके बाय।